भाई साहब रुको रुको सबर सबर भाई साहब, शाम तक जाना है मुझे यार। ताला लगे खान भाई का गाड़ी इधर खड़ा है, मौलवी साहब का भी खड़ा है, मुंशी साहब नहीं है, लोग पता नहीं किधर गए, उधर जाके देखते। मुंशी साहब स्टाम्प तो मैं ले आया हूँ, अभी मालिक क्या क्या कर रहे हैं? मैं तो बोलता हूँ दस्तखत लेते हैं, मालिक का काम भी तमाम कर देते हैं, हमारे लिए मसला ना बने बाद। यार छोटू पागल नहीं बनो यार, एक परेशानी हमारे गल पड़ गई, अभी दूसरी फिर पड़ जाएगी। मालिक का भी जिधर है इधर रहने दो, ठीक है ना? ठीक है। उधर खान साहब की गोली लगी हुई है, और परेशानी नहीं बनाओ यार, इसको इस तरह कर देना वक्त ही इसको इंजेक्शन फिर लगाते रहेंगे जी। थोड़े दिन खान भाई वाला काम जो है ना वो एक सेट पे हो जाए, फिर इसके बारे में कुछ करेंगे। लेकिन मसला ना बन जाए इधर, हमारे लिए खतरा होगा मालिक को रखना। नहीं नहीं इधर कोई भी नहीं जाता यार, इधर हमारे लिए कुछ नहीं होता। मुंशी साहब मेरी बात मानो, मालिक को इधर से साइड पे करो, फैक्ट्री से साइड पे करो, हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। छोटू अभी थोड़े दिन सब्र करो यार, ये जो परेशानी बनी हुई है दुआ करो ये हमारे लिए परेशानी और नहीं बने। मुंशी साहब पठान उस्ताद आ गया। छोटू पहलवान उस्ताद के साथ ऐसी वैसी बात कोई नहीं करनी है, इसको शक नहीं पड़ जाए। सलाम अलैकुम मुंशी साहब। वालेकुम सलाम, पहलवान उस्ताद आ गया वापस? हाँ आ गया सर। आपने तो बताया भी नहीं है यार हम वापस आ रहे हैं। रास्ते में सर्विस नहीं होता मोबाइल का, क्या करेगा? इधर आए टीए पे, इधर देखकर कोई है नहीं, खान भाई का गाड़ी खड़ा है, मौलवी साहब का खड़ा है, आप लोग इधर नहीं था, दफ्तर में गया था उधर नहीं था आप लोग। और यार किधर है यार, हमारे लिए तो बहुत परेशानी बन गई है यार, इधर बहुत परेशानी बना हुआ है, बहुत बड़ा मसला हो गया है यार। खान भाई को गोलियां लग गई है, वो हमने भेजा था घर छुट्टी, तो रास्ते में किसी ने उसको गोलियां मार दी है। ये किसने कर दिया ये सब? यही हम भी ढूंढ रहे हैं यार, किसने ऐसा काम किया यार। किधर है हमारे खान भाई, किधर है अभी? वो भी उधर हॉस्पिटल में। तो आप लोग नहीं गए उधर? बस हम लोग किसी मीटिंग में थे तो मौलवी साहब गया हुआ है, तो हम भी अभी जा रहे थे, अभी हम वापस पहुंचे, अभी हम चल रहे हैं। चलो पहले उधर जाते हैं, हमारे खान भाई के पास जाते हैं। चलो मुंशी नहीं अभी जाते हैं ना, जरा सबर करो। सबर अभी हमसे सबर नहीं होता। चलो माड़ा पहलवान उस्ताद मेरी बात सुनो, आप भी अभी आया हो थके हो, अभी आप इस तरह करो रात को आराम करो ना, तो सुबह चले जाएंगे। हम भी मीटिंग से आए अभी, बहुत थका हुआ है। सबर करो, काल किसकी आ गई है? छोटू ये तो मौलवी साहब की काल है। उठाओ मुंशी साहब। हाँ मौलवी साहब। मुंशी साहब किधर हो? मैं तो इधर प्लांट में हूँ यार। मुंशी साहब इधर अस्पताल में पुलिस वाले बहुत तंग कर रहे हैं। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं मौलवी साहब? मुंशी साहब वो बोल रहे हैं कि इस बंदे का बयान लेने हैं, बार बार चक्कर लगा रहे हैं पुलिस वाले। बार बार चक्कर लगा रहे हैं जी मुंशी साहब। मौलवी साहब आप इस तरह करो ना, फौरन खान भाई को अस्पताल से बाहर निकालो और किसी सेफ जगह पे क्वार्टर लो और उसको उधर शिफ्ट कर दो। ठीक है मुंशी साहब। और किराया मैं अपने जेब से दे दूंगा, ठीक है? कोई मसला नहीं है, ठीक है? ठीक है मुंशी साहब। पुलिस वाला काम नहीं करना है जी, जब तक वो अपने होश में नहीं आया पुलिस वाला ऐसा वैसा कोई काम नहीं करना है, ठीक है? ठीक है मुंशी साहब। और हम भी आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक हो क्या लाफ है मुंशी साहब? क्या हुआ? वो तो बोल रहा है कि भाई मुझे इधर पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि आप इस तरह करो किसी सेट पे क्वार्टर ले लो और उसको उधर क्वार्टर में शिफ्ट कर लो। अभी हम जाएगा उधर, अभी आओ चलते हैं, चले जाते हैं उसके पास। चलो मुंशी साहब। ठीक आ जाओ। डॉक्टर साहब ये पैसा मैंने अकाउंट पर जमा कर दिए हैं। बैठिए। गुड। आपको मैरिज तो है कोमे में, ठीक है? और हमने घर के लिए ट्रीटमेंट लिख के दिया है। अच्छा। आप वो जो है ना उसको जारी रख लो, ठीक है? लेकिन हर 15-10 दिन के लिए उसको इधर लेकर आओ, लेकिन अच्छा ये होगा कि मरीज को इधर दाखिल कर दो आप। नहीं नहीं मैं भी साथ लेकर चलूंगा खान भाई। वजह क्या है? उसकी जान को खतरा है। अच्छा फिर ऐसे है कि मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, आपको बाहर स्टोर से लेना है और ये इस्तेमाल करना है, ठीक है? लेकिन मरीज का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है और हर 15 दिन के बाद उसके चेक करवाओ, ठीक है? ठीक है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ये कवर हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने डिस्चार्ज कर दिया, ये दवाई आप स्टोर में ले लो और स्लिप एक आप काउंटर पर छोड़ दो। डॉक्टर साहब कौन लेके आया था? मैं किसी को नहीं जानता था, एक बंदा था लेकर आए थे इमरजेंसी में, हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, ठीक है? लेकिन बंदे को गोली लगी थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बंदा बच गया और जो मसला है इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा, इस पर कुछ टाइम लगता है, इतनी इमरजेंसी में ठीक हो। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।